देखिए आज पढ़ेंगे भारत में विविधता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, क्योंकि भारत में कई तरह की विविधताएँ पाई जाती हैं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विविधताएँ पाई जाती हैं। जलवायु की विविधता है, खान पान की विविधता है, रहन सहन की विविधता है। इन विभिन्न प्रकार की विविधताओं में भी एकता पाई जाती है। विविधताओं में देखें तो यानी कि एक तरफ भारत के अंतर्गत शुष्क जलवायु पाई जाती है, जबकि दूसरी तरफ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। एक तरफ भारत में मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं तो दूसरी तरफ ऊबड़ खाबड़ पथरीले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी विविधताएँ मिलती हैं। दक्षिणी भारत में हमेशा उष्ण जलवायु पाई जाती है, जबकि हिमालय और उत्तरी भारत के अंदर शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से भारत में देखें तो बहुत सारी विविधताएँ देखने को मिलती हैं। खान पान संबंधी विविधताएँ देखें तो यानी कि एक तरफ शुद्ध शाकाहारी भोजन के रूप में विभिन्न वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ मांसाहारी भोजन के रूप में मछली है, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनका खान पान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से भारत में बहुत सारी विविधताएँ देखने को मिलती हैं। इसलिए भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों, उनकी संस्कृति में काफ़ी अंतर है। कुछ प्रदेश अफ्रीकी रेगिस्तानी जैसे तप्त शुष्क हैं तो कुछ ध्रुव प्रदेशों की भांति ठंडी हुई है। कहीं वर्षा का अतिरेक है तो कहीं वर्षा का नितांत अभाव है। वर्षा का अतिरेक यानी कि अधिक वर्षा, जैसे कि असम के अंतर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जिसमें मौसम धाम मेघालय के अंतर्गत वर्षा का जो औसत है 1300 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है, जबकि जैसलमेर का सम क्षेत्र जहाँ वर्षा का औसत 15 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। तो इस तरह से यानी कि वर्षा में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। तापमान में भी बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। पर्वतीय जो भाग हैं उनमें तापमान की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्र हैं पर्वतीय भागों के अंतर तापमान बहुत कम पाया जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जिनके अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, जबकि हिमालय के जो पर्वतीय भाग है वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से यानी कि तापमान संबंधी विविधता भी देखने को मिलती है। खान पान संबंधी वेशभूषा संबंधी यानी कि आप दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक और पश्चिम भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक देखें तो विभिन्न तरह की वेशभूषाएँ आपको देखने को मिलेंगी। देश के निवासियों के अलग अलग धर्म हैं, विविधतापूर्ण भोजन हैं, वस्त्र हैं उतने ही भिन्न हैं, उतने ही जिनकी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अनुसार भाषाएँ और बोलियाँ भी, लेकिन इतनी इस कोटि की विभिन्नताओं के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में निबद्ध रूप से समाहित है। इस सूत्र की अनेक विधाएँ हैं जिनकी जड़ें देश के सभी कोनों तक पल्लवित और पुष्पित हैं। बाहर विभिन्नताएँ और विविधताएँ भौतिक हैं, किंतु भारतीयों के अभ्यंतर में प्रवाहित एकता की अजस्त्र धारा भावनात्मक और रूपात्मक है। इसी ने देश के जनमन को एकता के सूत्र में प्रो रखा है। यानी कि जलवायु की जो विभिन्नता है, जलवायु की विभिन्नता भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है और इसीलिए लोग जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। भारत की एकता का यह भारतीय संस्कृति का स्तंभ है और भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है। वह अपनी विशेषताओं सहित विकसित होती रही। इसके कुछ विशेष लक्षण हैं जिन्होंने भारतीय एकता के सूत्रों की जड़ों को और भी सुदृढ़ किया है। कुछ विशेष लक्षणों की विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है जिसमें भारतीय संस्कृति की धारा अविच्छिन्न रही है। यहाँ धर्म दर्शन चिंतन प्रधान रहे हैं। यहाँ धर्म का अर्थ न मजह है न रिलीजन है। भारतीय संस्कृति का यह धर्म अति व्यापक, उदार और जीवन के सत्यों का पुंज है। यानी कि भारतीय संस्कृति में जो धर्म है सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और एक दूसरे धर्म के अंतर्गत जो विधाएँ अच्छी विधाएँ जो मिलती हैं उनको सीखने का प्रयास किया जाता है। तो भारतीय संस्कृति एक
अलौकिक तत्व इसकी सहिष्णुता है, और यही सहिष्णुता का जो सामान्य अर्थ है वो सहनशीलता है। वरना वरण गौरवपूर्ण शांत विशाल मनोभाव है जो स्वकीय से परकीय और समाविष्ट वाचक है। यानी कि भारतीय संस्कृति जो है वो अलौकिक तत्व और इसकी सहिष्णुता है। सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों को समान रूप में देखना। सहिष्णुता, सहनशीलता और गौरवपूर्ण शांत और विशाल मनोभाव, चूँकि अपने धर्म से उठ करके दूसरे धर्म को समाविष्ट समान दृष्टि से देखता है। तो इस तरह से जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में समानता का रूप देखने को मिलता है। यह जड़ अथवा स्थिर नहीं बल्कि सचेतन और गतिशील है। इसने समय काल के अनुरूप अपना रूप बदलाई नहीं बल्कि उसे अति ग्रहणशील बनाया। यानी कि हमारी संस्कृति जो है उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि जो दूसरे गुण आए हैं उनको देख करके सीखने का प्रयास किया, बल्कि यानी कि जो सीखने का प्रयास है वो सीखने का प्रयास निरंतर चलता रहा। बल्कि ये नहीं है कि हमारी जो संस्कृति को पूर्ण रूप से बदल दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। एकांकी सर्वांगीण विकास और इसके पक्ष के परिपक्व समुन्नत विकसित और संपूर्ण इसमें नाता है और ना संकीर्णता है। ना तो कोई स्थान खाली है और ना संकीर्णता है, बल्कि विशाल जो सोच है वो सोच इसके अंतर्गत रखी जाती है। इसलिए यानी कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की जो ये विशेषताएं हैं, इन्होंने देश को सशक्त एवं संपूर्ण भावनात्मक एकता के सूत्र में बांध रखा है। यानी कि संपूर्ण जो विशेषताएं हैं, खान पान संबंधी या धर्म संबंधी जो भी सभी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध रखने का प्रयास किया है। भारत में सदैव राजनीतिक एकता रही है। राष्ट्र सम्राट महाराजा दहिराज जैसी उपाधियां, दिग्विजय, असमिक रसोई भारत की जागृत राजनीतिक एकता के द्योतक रहे हैं। महाकाव्य, मौर्य काल, गुप्त काल और उसके बाद मुगल काल में भी संपूर्ण भारत एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में रहा है। यही कारण है कि देश के भीतर छोटे मोटे विवाद, बड़े बड़े युद्ध और व्यापक उथल पुथलों के बाद भी राजनीतिक एकता का सूत्र जो है वो खंडित नहीं हुआ है। सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रीयता है, ऐसे ही अंततः उभरे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने उनकी सहायता से देश की एकता को खंडित करने का प्रयास किया। यानी कि कभी कभी जो है धर्म संबंधी विवाद है या राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है, उसके कारण यानी कि कभी कभी समस्याएँ पैदा होती हैं खंडित करने, यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय एकता है उसको एकता को उभरी खंडित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो जो खंडित करने वाले हैं वो कभी भी सफल नहीं रहे। तो एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए जो विभिन्न ऋषि मुनि हैं या विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने प्रयास किए हैं और उनको एकता के सूत्र में बांधे रखने का प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति का एक शक्तिशाली पक्ष इसकी धार्मिक एकता है, और भारत के सभी धर्मों और संप्रदायों में बाह्य विभिन्नता भले ही हो किंतु उन सबकी आत्माओं का स्रोत एक ही है, मोक्ष निर्माण, और केवल एक ही गंतव्य को पृथक नाम है। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, ईसाई हो, चाहे पारसी हो, कोई सा भी धर्म हो, लेकिन भारत के जो सभी धर्म हैं उन संप्रदाय में बाहर विभिन्नता भले ही हो लेकिन उन सबकी जो आत्मा है उनका सबका एक ही स्रोत है, वो है मोक्ष निर्वाण, और केवल एक ही गंतव्य के अलग अलग नाम है, यानी कि एक ही मार्ग तक पहुँचना है। भारतीय धर्मों में कर्मकांडों की विविधता भले ही हो किंतु उनकी मूल भावनाओं में पूर्ण सदृश्यता दिखाई देती है। इसी धार्मिक एकता एवं धर्म की विशाल कल्पना ने देश को व्यापक दृष्टिकोण दिया है, जिसमें लोगों को अभ्यंतर के समेटने और जोड़ने की असीम शक्ति दी है। इनमें विभिन्न विद्वान हुए हैं, नानक है, तुलसीदास है, बुद्ध है, महावीर, सभी के लिए अभिनंदनीय है, और देश के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के समक्ष सब नतमस्तक होते हैं। ये भी आज देखने को मिलता है, चाहे कहीं मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, सभी लोग जो है उनका जो सिर है वो अपने आप ही झुक जाता है। इसका मतलब यह है कि यानी कि भारतीय जो जनता है, भारतीय जनता में सभी धर्मों के प्रति यानी कि जो सम्मान है वो सभी जगह और सभी व्यक्तियों के अंतर्गत समान रूप से पाया जाता है। तीर्थों के अंतर्गत है, चार धाम के यानी कि चार धामों के प्रति जन जागरण की आस्था है,
इस संस्कृति की एकता के मूल तत्व रहे हैं। भारत की एकता को सबसे सुदृढ़ स्तंभ इसकी संस्कृति है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्यौहार, यानी कि जो है वो विविधता के पीछे सांस्कृतिक समरसता के तत्व भी दिखाई देते हैं। संस्कारों के एक ही प्रतिमान सर्वत्र विद्यमान है। सामाजिक, नैतिक एवं सदाचार के सूत्रों के प्रति समान आस्था के दर्शन होते हैं। मनुष्य जीवन पुरुष स्त्री लड़कों लड़कियों के लिए आचरण, व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता और जीवन दर्शन की अविचल एक रूपता देश की सांस्कृतिक एकता का सुदृढ़ आधार है। भाषाओं के बीच पारस्परिक संबंध न आदान प्रदान साहित्य के मूल तत्वों, स्थायी मूल्य और ललित कलाओं की मौलिक सृजनशील प्रेरणा और हमारी सांस्कृतिक तत्वों की एकता मौलिक एकता का प्रमाण है। सब सत्यम सर्वम सुंदरम की अब जो अभिव्यक्ति है वो भारत के अंदर व्यक्त होती है। भारत की गहरी आधारभूत एकता को देखने की कम और अनुभव करने की वस्तु अधिक है। देश सबको प्यारा है, इसकी धरती है, धरती, नदियाँ, पहाड़ें, हरे भरे खेत, जो विभिन्न रीति रिवाज हैं, जीवन दर्शन है, इनके लोगों के जो प्रति सोच है, भावनात्मक जो लगाव है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि किसी भारतीय को इनके संबंध में कोई अपवाद सह नहीं होगा, क्योंकि ये अपने हैं। भारत में इतनी विविधताओं के बावजूद अत्यंत टिकाऊ और सुदृढ़ एकता की धारा प्रवाहित हो रही है, जो इस संबंध में सभी भारतीयों के अनुभव और एहसास के बाद भी किसी बाह्य प्रमाण या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि जो एकता है वो एकता नहीं है, बल्कि यानी कि विभिन्न जो धर्म है, विभिन्न खान पान, वेशभूषा, रहन सहन की जो अनेकता के बावजूद ये सर्वत्र एकता में विद्यमान है। तो इस तरह से भारत की जो एकता है, भारत की एकता अखंडता जो है वो निरंतर बनी हुई है, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं उन धर्मों